जब वो जो नीट होता है MBBS एंट्रेंस के लिए, तो उसकी काउंसलिंग जो अटल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज है नेर चौक में अमरू, वहाँ से जो सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट आती है कि कौन बच्चा किस कॉलेज सिलेक्ट हुआ है और किस कॉलेज में जाएगा, वो अमरू से आती है। हम उसको उस लिस्ट के हिसाब से और उसके बच्चे के डॉक्यूमेंट जो उसने डॉक्यूमेंट बच्चा खुद अपलोड करता है, तो डॉक्यूमेंट वो मैच कर रहे थे, हमने एडमिशन ले ली। पर जब NMC को देने लगे तो वहाँ पे ये उजागर हुआ। तो मतलब अमरू में ऐसा कैसे, वो तो वही बता सकते हैं वहाँ पे ना। शाम को हमें एक शिकायत पत्र एजेंसी प्रिंसिपल एजेंसी की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें यह आरोप था कि एक छात्र द्वारा जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर MBBS प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है, तो उसमें कार्रवाई की जाए, जिसके आधार पर हमने पिछले कल ही शाम को प्रथम सूचना रिपोर्ट सदर थाना शिमला में दर्ज की है। और अभी इसका अन्वेषण जो है प्रारंभिक स्तर पर है, और इसका अन्वेषण किया जा रहा है, और आरोपी जो छात्र है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, इसने अपनी गलती मानी है, लड़के ने जो है माना है कि इसने जो है दस्तावेज के आधार पे जो है इसने फॉर्ज करके ऑनलाइन जो अपने जो नंबर है उसको बढ़ा करके दूसरे के नंबर अपने को बढ़ा करके जो है इसके आधार पे इसने एडमिशन लिया है, और इसने ये जो है इसमें जो है इसमें चीटिंग करी है, चीटिंग के आधार पे इसने एडमिशन लिया है। हाँ, इसमें अभी जो है 420, 466 IPC की धाराएं लगाई गई है, और इसके अतिरिक्त इसमें अभी जो है ITAT की धाराएं भी जो है इसमें सम्मिलित हैं।